अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ने। लोधी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये शामी साहब भी नुक्ता उठा रहे हैं, बैरिस्टर साहब बैठे हैं, उनकी कानूनी राय भी है। ये 3-2 का फैसला है, 4-3 का फैसला है, और 2 जज साहबान जिनके अखिलाफी नोट था वो बेंच का हिस्सा नहीं थे, क्या उनके अखिलाफी नोट मजीद 2 अखिलाफी नोट के साथ मिला के पढ़ा जाएगा? मैं सुबह से पहले आपको अस्सलाम वालेकुम करूंगा, दोनों आपको बल्कि आदिल भी बैठे हैं। मैं सुबह से सुन रहा हूं कि ये अबहाम और शकूक मजीद पैदा किए जा रहे हैं इस पे कि ये 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है, कैसे इसको दिया जाएगा। आप 27 फरवरी 2023 के फुल कोर्ट, जो फुल बेंच था, 9 जजेस का बेंच, उसका ऑर्डर देखें। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है कि इन व्यू ऑफ द डेलिब्रेशंस मेड इन द एंटी रूम ऑफ द कोर्ट रूम, जब कोर्ट से उठ के रिटायर्ड हो गए जजेस चले गए अंदर, तो वहां जो डिस्कशंस हुई और जो नोट्स 2 लिखे गए उनके मुताबिक हम 9 जजेस का ये यूनानिमस डिसीजन है कि हम रेफर कर रहे हैं मैटर चीफ जस्टिस को फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच। ये 27-2 का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया, जस्टिस एजाजुल हसन ने और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने, और 2 जजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हुए बेंच चीफ जस्टिस ने उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। ठीक। अब उन 2 जजेस के जो उस वक्त के एक इंटरिम ऑर्डर थे, नोट्स थे जो उनके, उनको कहा जा रहा है कि शायद वो डिसीजन है, और उनसे आज के 2 जजेस जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो एग्री करते हुए वो कहते हैं हम उन डिसीजन को एग्री करते हैं, उनसे कंसेंट ले। याह्या फरीदी साहब ने अपने उस नोट में कंक्लूड ऐसे किया कि मैं डिस्क्रिप्शन पर छोड़ता हूं चीफ जस्टिस की कि वो मुझे फर्दर हेयरिंग में शामिल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। बिल्कुल। अब तक की हेयरिंग में मैं मौजूद था, लेकिन मैं फर्दर हेयरिंग के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद, डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूँ चीफ जस्टिस की कि वो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। अथर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अथर मिनल्ला ने जो अपना नोट लिखा उस तारीख का 23 फरवरी का, उसमें ये लिखा कि ये मैटर मेरे नुक्ता नजर से फुल कोर्ट को रेफर करना चाहिए और ये कंसिडर करे। बिल्कुल ठीक। जब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बेंच रेफर कर दिया गया चीफ जस्टिस को 27-2 के बाद, जितनी मेटीरियल प्रोसीडिंग हुई है वो उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच में हुई है जो 5 जजेस का बेंच था। इसलिए आज जो इख्तलाफी नोट निकले वाले 2 जज हजरात हैं जिन्होंने ये कह दिया कि हम उससे, उन डिसीजन से एग्री करते हैं, वो डिसीजन नहीं थे, वो इंटरिम ऑर्डर थे, ऑब्जर्वेशन थी, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया था जिसको कोई डिसीजन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लोधी साहब, ये तो ये आपका फरमाना अपनी जगह बड़ा अहम है, लेकिन जो फाजिल जज साहबान ने जो नोट लिखा है उसमें ये बात लिखी है कि उनकी जो राय है या उनका जो फैसला है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन्होंने उन 2 जजों के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, ये क्यों किया है? शमी साहब, रिकॉर्ड का हिस्सा होने से वो उसको फैसले का दर्जा नहीं मिल जाएगा। रिकॉर्ड का हिस्सा है, बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन 2 जजेस ने अपनी राय दी है और उन राय डिसीजन का दर्जा नहीं रखती। और फिर वो दोनों जज, जिस तरह आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा था कि वो दोनों जजेस हजरात मटेरियल प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं थे, जब मटेरियल प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो दोनों जजेस उस बेंच का हिस्सा नहीं जो रिकॉर्ड हुआ। अब आपके ख्याल में आगे कैसे मूव करना चाहिए? आगे ये जो डायरेक्शन है, जो मेजोरिटी डिसीजन है, एक मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ ये जो हुकूमत ने एक मौकफ इख्तियार कर लिया, आज जो फॉर्मेट, मैं शामी साहब एक गुजारिश कर रहा हूँ, आज जो फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर है ना, उसमें एक कमी मैं महसूस करता हूँ। जहां यूनानिमस डिसीजन हो वहां तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल एक फ्लो में चलता है, जहां पे डिसेंटिंग व्यू आ जाए वहां पे फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा जाता है कि इस सूरत हाल में 3 का फैसला यह है, 2 का फैसला यह है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जहां पे हमें नजर नहीं आ रहा, पैरा 14 मौजूद है अपनी जगह पे, पैरा 14 में डायरेक्शन दी हुई है 3 जजेस ने जी जी, लेकिन उसके नीचे 2 जजेस जो इख्तलाफ कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने अपॉइंट कर दिए नोट्स, और उसके बाद वो एक फुटनोट आ गया जो बहुत अनयूजल है और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है
इस फाइनल डिस्पोजल के साथ इन मामला के, तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जहां पे मिसिंग है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कंसिडर होगा वो पैरा 14 जो है। पैरा 14 से ही हमने प्रोग्राम का आगाज किया था क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया है कि वो अटमोस्ट एफर्ट्स अपनी करे प्रपोज करने में तारीख के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन प्रपोज करेगा इन ऑर्डर्स को देखते हुए। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान या मुतल्लिका ज़राए ये बताते हैं कि जब उन्हें तआवुन ही हासिल नहीं होगा, ना फाइनेंस मिलेगी, ना अफराद मिलेंगे सिक्योरिटी के लिए, ना आरोज मिलेंगे, तो वो कैसे 54 या 53 दिनों के अंदर। मैं बहुत परेशान होता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ कि हम आर्टिकल 220 को बहुत लाइटली इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए मैंने पूछा आपसे कि आप इसे वाजे करें। जी जी, बहुत लाइटली इंटरप्रेट करते हैं आर्टिकल 220 को। आर्टिकल 220 कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू असिस्ट, रेंडर असिस्टेंस टू द इलेक्शन कमीशन। अगर वो नहीं करते, अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो कहते हैं फाइनेंस नहीं है, हम फाइनेंस लेने गए। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब वो दो जजेस के पास गए थे, इजाजुल अहसन साहब और मुजाहिर नकवी साहब के पास, तो उन्होंने सारा अपना ये मसाइल बताए थे कि मैं जुडिशरी से मांगता हूँ आरोज। वो कहते हैं हमारे पास आरोज नहीं है क्योंकि हमारे पास 13 लाख जेर इल्तवा केसेज हैं। और मैं बड़ा महसूस हुआ इस दलील से कि वो 13 लाख केसेज जो इल्तवा में गए हैं वो हमारे सेशन जजेस या सिविल जजेस के इलेक्शन ड्यूटी की वजह से वो सारे जेर इल्तवा है। उसमें तो भाई बहुत से मसाइल हैं, ये सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी के वजह से इल्तवा के शिकार नहीं हुए। और अगर वो किसी किस्म का कोई रुकावट महसूस करता है तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो फौरी तौर पर रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करे कि ये इदारे मुझसे तआवुन नहीं कर रहे। मंसूर अली शाह साहब की अपनी जजमेंट है बतौर जज हाई कोर्ट के 220 के तहत जब कोई इदारे के ऑफिशियल्स असिस्टेंस रेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी, और वो प्रोसीडिंग्स वॉच करेगा और सुपरवाइज करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो मुंतज हो सकती है। साहब ये रिमूवल फ्रॉम सर्विस। लोधी साहब ये बताएं, इसी 14 पैराग्राफ की जो ए हेडिंग है उसमें कहा गया, इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल देन द इलेक्शन कमीशन शैल इन लाइक मैनर प्रपोज अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द पोल दैट डेविएट्स टू द बेरेस्ट मिनिमम फ्रॉम द अफर सेट डेडलाइन। इसका मतलब इसमें आपने नोट किया होगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के साथ 58 भी रेफर की गई है। सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन को एनेबल करती है कि अगर वो शेड्यूल, वो जो प्रोसीडिंग्स होनी है, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 58 डेज पे है, दूसरी कैलकुलेशन के मुताबिक 54 डेज पे है, वो अगर उसमें कोई डेविएशन होती है, कोई तब्दीली होती है, तो सेक्शन 58 के तहत वो डेविएशन हो सकती है। और इसमें क्योंकि जो पंजाब असेंबली है वो 14 जनवरी को डिसॉल्व हुई थी, केपी के असेंबली 18 जनवरी को डिसॉल्व हुई थी, और उसके अब तक 90 दिनों में से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेज 46 डेज और 43 डेज गुजर चुके हैं। इसलिए 90 दिन स्ट्रिक्टली एडहेयर करना मुमकिन नहीं होगा। और 254 आर्टिकल 254 रेड विद सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, ये जो इशारा भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 58 को भी आप सामने रखें, तो 15 दिन के करीब इसमें गुंजाइश निकलेगी। और अगर हमने 58 लोधी साहब ये बताएं कि जब वफाकी वज़रा ने ये मौकफ इख्तियार किया है कि फैसला 4-3 की अक्सरियत से आया है और वो सुओ मोटो नोटिस खत्म हो गया है, अब उसका अजाला क्या हो गया? क्या इन वज़रा को तोहीने अदालत के नोटिस जारी किए जाएंगे? वफाकी वज़रा की अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। ओहो, गलत है, कौन इसको डिसीजन कौन करेगा इसका? नहीं तो वो एक राय दे रहे हैं कोर्ट से बाहर, कोर्ट का फैसला तो उससे मुतासिर नहीं होगा। सड़कों पर दे रहे हैं, जलसों में दे रहे हैं, कहीं प्रेस टॉक्स में दे रहे हैं, उनसे फैसले की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओहो, फैसले को नाफिज होना है, और जब हुकूमत ये मौकफ इख्तियार कर ले कि फैसला ये है,
तो फिर हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने जी, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने। अच्छा वो कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत कहती रहे ना जी, हुकूमत मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो ये बात ठीक आप जैसा फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी, इलेक्शन कमीशन तो कल से इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहा है, मुशावरत का सिलसिला वो शुरू कर रहा है ऑफिशियली। अच्छा दूसरी बात आपने जो कही, एक मिनट है जी, इलेक्शन कमीशन जाता है हुकूमत के पास कि हमें पैसे दीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए, वो कहते हैं वो कहते हैं ये मामला तो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, विदाउट एनी डिले सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देना चाहिए। यही वो कह रहे हैं ना, आर्टिकल 220 का जो दायरे अख्तियार है जुडिशरी वो भी आएगा, तो इंटरवीन तो फिर सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा। इस डिबेट से पहले मेरी एक छोटा सा सवाल है कि ये जो 4-3 या 3-2 या जो भाम किसी को नजर आ रहा है, इसका एक हल तो किसी ऑब्जर्वेशन में भी आ सकता है ना, कल परसों किसी एक अहम केस की समाअत के दौरान ऐसा हो सकता है, होता है, होता रहा है। जामी साहब जरूरत ही नहीं है इसकी जरूरत ही नहीं है, ये आप सारा अगर सीक्वेंस में प्रोसीडिंग सारी पढ़ेंगे, 23-23-2 की प्रोसीडिंग पढ़ेंगे, 27-2 का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पढ़ेंगे, बल्कि बिल्कुल बात वाजे हो जाएगी किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस रिटायर्ड लोधी साहब आपके कीमती वक्त का। अब सदानुल्लाह साहब भी यही फरमा रहे हैं क्या कि कोई अभाव नहीं है, वो भी यही कहते हैं, और आजम तारण साहब भी यही फरमा रहे हैं कोई अभाव नहीं है। चलिए एक छोटी किसी का अभाव तो निकलेगा ना।